हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चिलर प्लांट। आज के वीडियो में हम जानेंगे चिलर प्लांट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे चिलर प्लांट होता क्या है। चिलर प्लांट एक सेंट्रल एसी प्लांट है जो कि बड़ी बिल्डिंगों, होटल्स, थिएटर्स, एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल को एयर कंडीशन करने के काम आता है। अब हम जानेंगे सेंट्रल एसी प्लांट कितने टाइप के होते हैं। सेंट्रल एसी प्लांट दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट एक्सपेंशन एयर कंडीशन प्लांट एंड सेकंड है चिलर प्लांट। चिलर प्लांट भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है वाटर कूल्ड एंड सेकंड है एयर कूल्ड। वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड से क्या मतलब है? वाटर कूल्ड चिलर प्लांट से मतलब है कि जो हमारा कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा करने के लिए अगर हम वाटर का यूज़ करेंगे तब वो वाटर कूल्ड कहलाएगा। अगर हम कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा करने के लिए एयर का यूज़ करेंगे तब वो एयर कूल्ड कहलाएगा। चिलर प्लांट के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? तो यहाँ पर इन सभी पार्ट्स के बारे में लिख रखा है, जो हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवोपरेटर। ये सारे ही पार्ट्स चिलर यूनिट में लगे होते हैं और चिलर यूनिट हमारी प्लांट रूम में इंस्टॉल्ड रहती है। उसके बाद एयर हैंडलिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में AHUV कहते हैं, ये लगी रहती है हमारे फ्लोर्स में या कमरों में। उसके बाद है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर लगा रहता है बिल्डिंग के छत पर। उसके बाद है रेफ्रिजरेंट, वाटर एंड ब्राइन सॉल्यूशन। ये हमारे वर्किंग फ्लूड है। ये सभी पार्ट्स क्या करते हैं और ये फ्लूड कैसे काम करते हैं, ये सब हम आगे डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो ये है हमारा चिलर प्लांट। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आपको चिलर प्लांट ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखेंगे चिलर प्लांट का यह कंडेंसर, यह इवोपरेटर, यह है कंप्रेसर और बाकी के पार्ट्स आपको यहाँ पर और इसके पीछे दिख जाएंगे। अब हम जानेंगे चिलर प्लांट कैसे काम करता है। तो चिलर प्लांट हमारी वेपर कंप्रेशन साइकिल पर काम करता है। तो इस साइकिल को हम समझेंगे। तो यह है मोटर, जो है प्राइम मूवर, यह है कंप्रेसर, यह है कंडेंसर, यह है एक्सपेंशन वाल्व, यह है इवोपरेटर। तो हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर से। जब यह मोटर घूमती है तब यह कंप्रेसर को भी घुमाती है। और यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर रहता है हमारा रेफ्रिजरेंट। जब यह कंप्रेसर घूमता है तब यह रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, जिससे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर के अंदर। इस कंडेंसर के अंदर हम रेफ्रिजरेंट को ठंडा करते हैं, जिसके लिए कूलिंग वाटर से हम ठंडा पानी लेते हैं। ये ठंडा पानी इस कंडेंसर के अंदर जाता है और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इस रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है, जिससे रेफ्रिजरेंट जो ठंडा हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर तो कम हो जाता है लेकिन उसका जो प्रेशर है वो उतना ही रहता है जितना कंप्रेसर से निकलने के बाद था। जो पानी इस रेफ्रिजरेंट को ठंडा करेगा वो निकलने के बाद यहाँ गर्म हो जाएगा और ये गर्म पानी फिर से ठंडा होने के लिए कूलिंग टावर में चला जाएगा। इसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जिससे जो टेम्परेचर है वो माइनस तक पहुँच जाता है और ये माइनस टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में जाता है। इस इवोपरेटर में हमारा ब्राइन सॉल्यूशन आता है और ये ब्राइन सॉल्यूशन हमारा आता है एयर हैंडलिंग यूनिट से, जो कि हमारे कमरों में लगी हुई है। एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर क्या होता है, जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो कमरे की हीट लेकर गर्म हो जाता है और वही ब्राइन सॉल्यूशन इस इवोपरेटर में आकर चिल्ड हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है।
और ठंडा हो जाने के बाद वो फिर से एजीयू में चला जाता है और कमरों को ठंडा कर देता है। वो हम आगे जानेंगे कि एयर हैंडलिंग यूनिट कैसे काम करती है। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है, इस ब्राइन सॉल्यूशन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ब्राइन सॉल्यूशन तो चिल्ड हो गया लेकिन जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो गर्म हो गया, और वो रेफ्रिजरेंट फिर से इस कंप्रेसर में अगली साइकिल के लिए चला जाता है और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। इसको हम यहाँ पर फिर से डिटेल में समझेंगे। तो आप देखेंगे यह है कंडेंसर, जिसके अंदर हमारा गर्म रेफ्रिजरेंट है, जिसको ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर से पानी आ रहा है, और ये पानी इसको ठंडा करने के बाद यहाँ गर्म हो जाता है और फिर से कूलिंग टावर में चला जाता है। और आप देखेंगे यह है इवोपरेटर। इवोपरेटर के अंदर आप देखेंगे एजीयू से ब्राइन सॉल्यूशन आ रहा है, जो कि इवोपरेटर में जाकर चिल्ड होता है, और चिल्ड होने के बाद ये फिर से एजीयू में चला जाता है। एजीयू में ये रूम को ठंडा करेगा और रूम की हीट लेकर ये फिर से गर्म हो जाएगा, और ये फिर से गर्म होने के बाद इवोपरेटर में जाएगा और वहाँ पर फिर से चिल्ड होगा। ये साइकिल यहाँ कंटिन्यू चलती रहेगी। अब हम जानेंगे चिलर प्लांट का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में आप देखेंगे यह है प्लांट रूम, और प्लांट रूम में हमारा लगा है चिलर यूनिट। यह है हमारा कूलिंग टावर जो कि बिल्डिंग की छत पर है। यह है हमारा एचयू यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट, जो कि हमारे फ्लोर्स पर या कमरों में है। आप देखेंगे ये रेड कलर की लाइन है, जिसके अंदर गर्म पानी है यानी कि जो कंडेंसर से आ रहा है, और ये हमारा ठंडा पानी जो कंडेंसर में जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारी ब्राइन सॉल्यूशन की लाइन है, ये है हमारी जो गर्म ब्राइन सॉल्यूशन है जो कि इवोपरेटर में आ रहा है, और ये जो स्काई ब्लू है ये एचयू में चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन जा रहा है। इस एनिमेशन में आप इस फ्लो को आसानी से समझ सकते हैं। आप देखेंगे ये जो रेड कलर की है ये गर्म पानी की लाइन है जो कि कूलिंग वाटर में जा रही है, और ये जो येलो लाइन है ये ठंडे पानी की है जो कि कंडेंसर में जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस का ब्राइन सॉल्यूशन है, यानी कि ये गर्म है जो कि हमारा इवोपरेटर में जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो गाढ़े कलर का नीला कलर है ये हमारा चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन है, जो कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये एचयू में जा रहा है। अब हम जानेंगे कि एयर हैंडलिंग यूनिट में ब्राइन सॉल्यूशन किस तरीके से हमारे कमरे को ठंडा करता है। तो आप देखेंगे बाहर से गर्म हवा या जो नेचुरल एयर है वो हमारी आती है, जिसके अंदर हमारे बैक्टीरिया, वायरस या बाकी धूल के कण होते हैं, जो इस डैम्पर से अंदर आते हैं एचयू, और यहाँ से हमारे कमरे की जो रिटर्न एयर है वो भी इस एचयू में आती है, जिसके अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस हो सकते हैं। इन बैक्टीरिया और वायरसेस या धूल के कणों को रोकने के लिए हमारा फिल्टर लगा है। इस फिल्टर से निकलने के बाद जो हमारी एयर है काफ़ी हद तक साफ हो जाती है, और वो जाती है इस कूलिंग कॉयल में। ये वही कूलिंग कॉयल है जिसके अंदर हमारा चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन आ रहा है इवोपरेटर से, और यहीं पर हमारा लगा है ये एक ब्लोअर। वो ब्लोअर इस पर हमारी जो हवा है उसको खींचता है, यानी कि यहाँ पर इंड्यूस ड्रॉट होता है। किसी किसी एचयू में फोर्स ड्रॉट होता है।